नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू पर। दोस्तों, आज हम उन पांच जगहों के बारे में जानेंगे जिसे मनुष्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उसे अपमान और बेइज्जत का सामना करना पड़ सकता है और उसका भविष्य भी संकट में पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य ने सुखी और सफल जीवन के लिए लाइफ मैनेजमेंट सूत्रों के बारे में अपने ग्रंथों में बताया है। इन्हीं ग्रंथों में आचार्य चाणक्य का एक महान ग्रंथ है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में बताए गए लाइफ मैनेजमेंट सूत्र आज के समय में भी प्रासंगिक है, यानी इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो अनेक परेशानियों से बचा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि हमें कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए, अर्थात किन किन जगहों को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे अपमानित होना पड़ सकता है, बेइज्जत होना पड़ सकता है और भविष्य भी संकट में पड़ सकता है। आज हम इन्हीं स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चाणक्य नीति के ग्रंथ में चाणक्य ने एक श्लोक का वर्णन किया है, यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिनः च बांधवः न च विद्यागमो अप्यस्यति वासस्त्र न कारयेत्। अर्थात जहाँ मान सम्मान न हो, रोजगार न हो, कोई दोस्त या रिश्तेदार न हो, जहाँ शिक्षा न हो, जहाँ रहने वाले लोगों में कोई गुण न हो, ऐसे जगहों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। वैसे तो व्यक्ति अपने कर्मों से ही मान सम्मान अर्जित करता है, लेकिन अच्छे काम करने के बाद भी यदि कहीं आपको मान सम्मान न मिले तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ रुकना बेकार है। ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देने में ही भलाई है। यदि ऐसे स्थान पर अधिक समय रुके तो भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्या धन के जीवन यापन करना संभव नहीं है और धन के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां रोजगार का कोई माध्यम न हो, वो स्थान कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसे छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो आपके साथ साथ परिवार भी संकट में आ सकता है। मुसीबत के समय अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी और दोस्त ही काम आते हैं, इसलिए किसी नए स्थान पर जाने से पहले इस बात पर विचार जरूर करें। जिस जगह आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त भी न हो, उस जगह को तुरंत त्याग देना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य का मत है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। बिना शिक्षा के न तो सम्मान मिलता है और न ही रोजगार मिलता है, इसलिए जहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित साधन या स्थान न हो, वहाँ न रहने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे स्थान पर रहने से बच्चों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ रहने वाले लोगों में यदि कोई भी गुण न हो तो ऐसे जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपके सीखने के लिए कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो ऐसे जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर आप गुणहीन ही बने रहेंगे, ये स्थिति भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियो आप भविष्य में भी देखना पसंद करते हो। धन्यवाद।